हेलो फ्रेंड, हमी टकलोज आर्ट में आपका स्वागत है। तो देखो, आज हम जो हमारे केक के ऊपर गुड़िया लगी होती है, आज इसे हम बहुत ही सुंदर बनाने वाले हैं। तो चलो, इसे कैसे बनाना है इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोम लिया, देखो ये फोम है जो हम रेडीमेड कपड़े लाते हैं उनके अंदर से निकल जाती है। अगर आप फोम की जगह बुकरम भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखो फोम को एक बार फोल्ड कर दिया है। अब हमें जितना लंबा इसके लिए घेरा बनाना है नीचे की साइड से, तो देखो मैं 6 इंच का इसकी लंबाई ले रही हूँ, यानी एक बार हमें फोल्ड करके 6 इंच लंबाई रखनी है। तो इधर से भी हम देखो 6 इंच पर ऐसे निशान लगा दूँगी। इस तरह का हम बिल्कुल गोल करके कट कर लेंगे। तो ऐसे 6-6 करके देखो मैं गोलाई देते देते निशान लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने देखो चौक से हमारा निशान चमक नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैंने पेन ले लिया है, इससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। बस हम निशान को भी साथ के साथ ही मिलाते जा रहे हैं। तो जो हमने पैर इधर भी देखो 6 का जो निशान लगा था, इस निशान से भी इस निशान को मिला देंगे। अब इसे हमें देखो बिल्कुल भी हिलने नहीं देना है, उसी जगह से जैसे हमने रखा है इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो कट कर दिया है, ये हमारा हाफ वाला सर्कल बन के तैयार हो गया है। एक बार हम देखो इस तरह फोल्ड करके देख लेंगे कि हमारी गुड़िया जैसे सीधी साइड रखेगी तो कितनी बड़ी बैठेगी। तो यहाँ पे मैं देखो अस्तर लगा रही हूँ, अस्तर को मैंने एक ऊपर एक नीचे रखी हुई एक सिलाई तो लगा दी है। अब हमें जो हमारा हाफ घेरा है इस पर भी ऐसे ही सिलाई कर लगा देनी है। और ध्यान रखना है फोम को हमें बीच में रखना है और दोनों साइड हमें अपना अस्तर वाला कपड़ा रखना है। तो यहाँ पर आप फोम की जगह बुकरम भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहले मैं एक पीस कट करूँगी इसमें से फोम का, कि एक साइड से एक अस्तर को कट कर दूँगी। ये हमें फोम से बिल्कुल मिलाते हुए कट कर देनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पीस को कट कर दिया है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसे हम थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे। तो यहाँ पे आप निशान भी लगा सकते हो इस तरह, और नहीं तो आप यहाँ पर इसे 1/2 इंच ज़्यादा करते हुए कट कर लेंगे। तो ऊपर वाला एक साइड हमें बिल्कुल बराबर कट करना है, दूसरी साइड से हमें 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए अस्तर को कट कर देंगे। अब इसकी साइड हमें जो हमने ज़्यादा रखा है उसी ऊपर की साइड ऐसे फोल्ड करते ही इस पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो ऐसे देखो मैं पूरे घेरे पर इसे फोल्ड करते करते सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ से देखो मैंने इसको हक कर दिया है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम अलग से कट कर देंगे। एक बार से देखो हमें फिर क्या करना है, ऐसे फोल्ड करके हमें अपनी गुड़िया की कमर पर निशान लगाना है। तो जैसे हमें रखनी है अपनी गुड़िया, देखो यहाँ पे हम बाद में सिलाई से इसको सिल के दिखाएंगे बाद में आपको। तो अभी हमें पहले सिलाई का काम सबसे लास्ट में करना है। अब हमें अपनी गुड़िया की जो कमर है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा के यहाँ पर इसको कट कर देना है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसमें अब हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हमारी गुड़िया के पैर भी नहीं है, क्योंकि वे घेरे के अंदर कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह देखो मैं इसे रख के देखूँगी कितना बड़ा हमारा घेरा बैठ रहा है। अब इसके ऊपर हमें नेट के कपड़े से डिजाइन बना रहा है। तो यहाँ जो कलर आपको पसंद हो आप वो कलर देख ले सकते हो। तो मैंने इतना बड़ा फैब्रिक लिया है नेट का, जितना हमारा ये साइज है। तो देखो मैंने ये पूरा साइज का लिया है, हल्का साफ ज़्यादा रखना, क्योंकि जब पहली बार बनाते हैं तो थोड़ा कम पड़ जाता है। तो मेरे पास पट्टी पूरी बराबर ही है। अभी एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, इसमें हमें प्लेट डालनी है। तो प्लेटें हमें इतना देखो जितना हमारे यहाँ पर ये है, यहाँ तक हमें अपनी सारी प्लेटें ख़त्म करनी है। तो आप इन स्टेप से एक बार इसका पहले साइज देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा 3.5 इंच का कमर का कट है। तो ऐसे ही हमें 3.5 इंच तक अपनी प्लेटी डाल के ख़त्म कर देनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरह ही अपनी नेट के कपड़े से
हल्के हल्के से गैप में हम प्लेट डालते जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर प्लेटें डाल दी है। ये पट्टी आप जितनी लंबी रखना चाहो उतनी लंबी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 मीटर की रखी है। अगर आपको थोड़ी और ज़्यादा हैवी बनाना है तो थोड़ी सी आप ज़्यादा रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने बस ध्यान रखना है आपको बीच का जो है वो 3.5 इंच रखना है गुड़िया के अकॉर्डिंग। अगर आपकी गुड़िया थोड़ी बड़ी है तो इसकी भी आप कमर के हिसाब से ही इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं कमर पर अब जो मैंने घेरा बना के तैयार किया है प्लेटों वाला, तो मैं अपने इसे बुकरम वाले पीस पर उसको जॉइंट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में सिलाई लगा दी है। अब देखो मैंने बाद में इसलिए छोड़ दिया है जो पट्टी हमारी इसे बाद में कट करूँगी, पहले हमें इस तरह प्लेटें डाल देनी है। सेम जैसे मैंने ऊपर की साइड प्लेट डाली है हमें नीचे से हल्का सा खोलते खोलते इन्हें पूरे घेरे पे लगाना है। तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ हमारी एक साथ इकट्ठी होंगी, नीचे की साइड हमें फैलाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो सभी को बराबर करते हुए देखो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी। जो हमारा ज़्यादा फैब्रिक है जो बाहर निकल गई है नेट उसे हम कट कर देंगे। तो अब इसके बाद देखो आपको इसको कैसे सजाना है, या आप यहाँ पर अपनी लेस को रख के देख सकते हो। तो ये रखने के बाद हमें थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा था, तो अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर समोसा लेस लगाऊंगी कि जिससे हमारी नीचे की साइड बिल्कुल भी कपड़ा दिखाई ना दे। तो यहाँ पे नीचे की साइड देखो मैंने समोसा लेस लगा दिए। अब इसके बाद हमें देखो इसी लेस से मिलाते हुए दूसरी वाली लेस लगा देंगे, तो वो भी मैंने लगा दी है। अब हम अपने जो थोड़ी सी नेट ज़्यादा है वो नीचे की साइड करते ही एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमारी सिलाई भी देखो लग गई है। अभी हमें इसमें ऊपर की साइड नेफा लगाना है। तो यहाँ पे देखो नेफे के लिए मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी कट की है और इसका साइज ऊपर से हमें अपने घेरे के अकॉर्डिंग ही रखना है। वो आप घेरे पे लगा के इसे साइज को देख सकते हो आपको कितनी लंबी पट्टी लेनी है। तो इस पर एक सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसे हमें देखो उल्टी साइड रखते हुए यहाँ पर इस तरह देखो पूरा ही हमारी पट्टी है। ये आपको थोड़ी हल्की सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि जो उनसे ज़्यादा होगी उसे हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने कर दी है, थोड़ी सी मैंने भी हल्की सी ज़्यादा रखी है ऊपर की साइड से हमें बोलते हुए ऊपर जहाँ पर हमारी सिलाई है यहाँ पर उसकी सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो जो बाकी का नेट है वो मैंने कट कर दिया है। यहाँ तक का घेरा हमारा बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद देखो चोली बनानी है। अपनी चोली का साइज भी देखो मैंने आपको दिखा दिया है कितनी बड़ी गुड़िया है। मेरी 3 उंगलियाँ इसके ऊपर आई हुई है। अभी इंच टेप से भी हमारा 2 इंच की पूरी चोली तैयार होगी। तो 1 इंच की हमें एक पट्टी कट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं नेट के कपड़े से पट्टी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखो 1 इंच यहाँ बैठता है, तो यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर लेंगे। यानी हमारी 2 इंच एक बार लंबी पट्टी हमें रखनी है, यानी एक साइड की हमारी 1 इंच की तैयार हो जाएगी। दोनों साइड की हम एक साथ ही सिलाई लगा लेंगे पट्टी पे पूरी पूरी पे। तो देखो मैंने पट्टी तैयार करने के बाद फिर हमें अपना साइज देखना है कितनी बड़ी रखनी है। तो यहाँ पे देखो आप गुड़िया को ऐसे रख के
भी आप साइज देख सकते हो, तो कहाँ जहाँ तक आपको रखनी है, तो जैसे हमारा एक साइड का इतना है तो इसका हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखो कट लगा दिया है जहाँ तक हमारी पूरी आई है, अब बाकी बचे हुए पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखो ये पट्टी हमारी चोली के लिए तैयार है। अब इसके बाद हमें इसी के ऊपर हमें देखो जो हमने लेस घेरे में लगाई है वही हम अपनी चोली के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। तो हमें ध्यान रखना है हल्का हल्का सा दोनों साइड से हमें छोड़ना है जो हमारी कमर पे अंदर आएगा बांधने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं देखो समोसा लेस लगा दूंगी, बिल्कुल चोली में भी हमारा सेम वही डिजाइन हो जाएगा जो हमारे इसमें घेरे में है। अब देखो हल्का सा मैंने नीचे की साइड से छोड़ दिया है लेस लगाई बिना, इतना ही हमें दूसरी साइड से रखना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई को रोक दिया है, एक कट कर दिया है, तो दोनों साइड से हो गया। अब दोनों को हम बराबर करेंगे और कट कर देंगे। तीन फूल हमारे एक साइड है, तीन एक साइड है, तो एक सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे। अब बीच में हमें देखो एक से सवा इंच तक की सिलाई लगाएंगे, फिर उसे वापस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी चोली बनके तैयार है। अब इसे भी हमें ड्रेस के साथ ही जॉइंट करना है। अब एक बार देखो अपनी गुड़िया को हम डाल के देख लेंगे कि कैसी आएगी। ऐसे इसको देखो यहाँ पर हम इसे बंद कर देंगे, जैसे जब हमारे घेरे में डोरा डालेगा तो उसी के साथ उसको बंद हो जाएगी। अब पीछे से हमें अपने घेरे में इसको जॉइंट करना है। तो जो खाली साइड छोड़ी थी मैंने वो आगे की साइड हमारी बंद करने में अंदर जाएगी। अब यहाँ पर देखो हल्की सी हमें इसे जॉइंट कर देना है घेरे के साथ। घेरे को उल्टा रख के मैंने इसके ऊपर इसको जॉइंट कर दिया है। तो ये देखो यहाँ से हमारी ड्रेस बन के तैयार है। अब इसे देखो गुड़िया को पहना के दिखाऊंगी मैं आपको। तो आप इसे देखो पीछे से भी पहना सकते हो, आगे से भी पहना सकते हो। तो मैंने इसमें पहले डोरा डालूंगी। तो देखो मैंने क्रोशिया की हेल्प से इसके अंदर डोरा डाल दिया है। तो चलो गुड़िया को पहना के दिखाते हैं। देखो आगे से मैं इसको ऐसे रखते ही पीछे की साइड हमें इसको बंद कर देंगे। जो डोरा हमारा घेरे में जो डोरा लगा है उसी से हम इसको देखो बंद करेंगे। तो यहाँ पर टाइट कर देंगे ब्लाउज को खींचते हुए अच्छी तरह, जिससे बिल्कुल सेट बैठे हमारी। अब यहाँ पर इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे, इसे टाइट बंद करेंगे जिससे निकले ना। तो देखो अब पीछे की साइड हमें सिलाई लगानी है, ये हम सुई धागे से लगा लेंगे। अभी हम साथ के साथ मैं देखो उसको आपको सेट करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं इसे आलपिन लगा दे दूंगी इसके अंदर। तो ऐसे घेरे को देखो एक साथ पकड़ते ही मैं यहाँ पर आलपिन लगा रही हूँ। यहाँ पर आप सुई धागे से सिलाई कर लोगे, वो सिलाई मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे घेरा बन के देखो हमारा तैयार है। ये देखो ड्रेस भी बन गई है। अब इसके साथ हमें दुपट्टा भी बनाना है। तो दुपट्टे के लिए भी मैं एक पट्टी कट कर लूँगी। उस पट्टी के ऊपर आपको जिस तरह की लैस लगानी है आप वो लैस लगा सकते हो। तो मेरे पास दो हैं, मैं इनमें से कोई नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल दुपट्टा बनाऊंगी। तो मैं सिंपल समोसे लैस वाली लगाऊंगी। तो देखो हमें हल्का सा ऐसे फोल्ड करते ही अपने दुपट्टे को जितना आपको लंबा रखना है आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई और गुड़िया के साइज देख लेंगे आपको कितना चौड़ा रखना है। तो यहाँ पे देखो मेरी दुपट्टा भी बन के तैयार हो गया है।
अब इसके बाद आपको थोड़ा सा अपनी गुड़िया को भी डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे देखो हमारी गुड़िया के हाथ भी थोड़े खाली खाली लग रहे हैं, और ऊपर का जो हमारे बालों पे में इनके इस तरह के हमारी नग वाली जो लेस है, ये स्टोन चैन, वो लगा दूंगी। तो मैं ये हॉट ग्लू गन की हेल्प से लगाऊंगी। तो यहाँ इसको हम पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर। तो देखो हमारी गुड़िया के ऊपर अब हमारे हाथों पे भी थोड़ा यहाँ पर खाली लग रहा है, यहाँ पर मैं स्टोन चैन को थोड़ा कट करके लगा दूंगी। तो देखो बहुत अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाता है, और यहाँ पर भी इसका हल्का सा मैंने साइज देख लिया है, हल्का सा बड़ा था तो मैंने इसको कट कर दिया। तो हमारी गुड़िया रानी की चूड़ियाँ भी तैयार हो गई है। अब इसके बाद जो सिलाई हमारे देखो पेट पर जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है, इसके ऊपर भी एक पट्टी लगा दूंगी मैं। वो आपकी इच्छा है, आप जितना इसको हैवी बनाना चाहते हो इसके ऊपर उतनी ही सजावट कर सकते हो। तो मैं देखो ज़्यादा नहीं करूँगी, बस यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको बस सबसे अच्छा है कि आपको बनाने का तरीका आना चाहिए कि कैसे बनाना है। सजावट तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी के कानों में भी कुछ नहीं है, वैसे इनके छेद हैं, आप रेडीमेड भी पहना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टोन चैन से चार चार नग कट कर लिए हैं, और उन्हें हॉट ग्लू गन की हेल्प से कानों के ऊपर चिपका रही हूँ। तो ये देखो लग गई है। तो लगभग हमारी गुड़िया तैयार हो गई है। तो आप बाकी का सजावट मैं नहीं कर रही हूँ, वो तो आप अपनी इच्छा के ऊपर है। अब दुपट्टा आपको डाल के दिखाती हूँ कि गुड़िया रानी कैसी लगी है बनने के बाद। तो अगर आप हमारी गुड़िया रानी कैसी लगी है आपको कमेंट करके बताना है, और केक वाली गुड़िया का यूज आपको कैसा लगा है वो भी बताना है। अब आगे से आपको अपने केक वाली गुड़िया फेंकनी नहीं है, ऐसे ही अपनी बिटिया रानी के लिए गुड़िया बना के तैयार करनी है, और ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो कैसी लगी है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।